ललही छठ, हल षष्ठी, हर छठ व्रत कथा। हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल कुंज ऑफिशियल, आवर योर चैनल। कैसे हो आप लोग? आई होप सो आप लोग बहुत अच्छे होंगे। अगर आप मेरे चैनल पे पहली बार आए हो तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, नीचे बेल आइकन से प्रेस जरूर कर लें ताकि मैं जो भी नया वीडियो डालूँ उसका नोटिफिकेशन सबसे पहले आपके पास जाए। ये सुनते हैं ललही छठ, हल षष्ठी, हर छठ की व्रत कथा। एक गर्भवती ग्वालन के प्रसव का समय समीप था। उसे प्रसव पीड़ा होने लगी थी। उसका दही मक्खन बेचने के लिए रखा हुआ था। उसने सोचा कि यदि प्रसव हो गया तो दही मक्खन बिक नहीं पाएगा। ये सोचकर उसने दही दूध के घड़े सिर पर रखे और बेचने के लिए चल दी, किंतु कुछ दूर पहुंचने पर उसे असहनीय प्रसव पीड़ा हुई। वे एक झरबेरी की ओट में चली गई और वहाँ एक बच्चे को जन्म दिया। वे बच्चे को वहीं छोड़कर पास के गांव में दूध दही बेचने चली गई। संयोग से उस दिन हल षष्ठी थी। गाय भैंस के मिश्रित दूध को केवल भैंस का दूध बताकर उसने सीधे साधे गांव वालों में बेच दिया। उधर जिस झरबेरी के नीचे उसने बच्चे को छोड़ा था, उसके समीप ही खेत में एक किसान हल जोत रहा था। अचानक उसके बैल भड़क उठे और हल का फल शरीर में घुसने से वे बालक मर गया। इस घटना से किसान बहुत दुखी हुआ, फिर भी उसने हिम्मत और धैर्य से काम लिया। उसने झरबेरी के कांटे से ही बच्चे के चिरे हुए पेट में टाके लगाए और उसे वहीं छोड़कर चला गया। कुछ देर बाद ग्वालन दूध बेचकर वहां आ पहुंची। बच्चे की ऐसी दशा देखकर उसे समझते देर नहीं लगी कि ये सब उसके पाप की सजा है। वे सोचने लगी कि यदि मैंने झूठ बोलकर गाय का दूध न बेचा होता और गांव की स्त्रियों का धर्म भ्रष्ट नहीं किया होता तो मेरे बच्चे की ये दशा नहीं होती। अतः मुझे लौटकर सब बातें गांव वालों को बताकर पश्चाताप करना चाहिए। ऐसा निश्चय कर वे गाँव में पहुंची जहां उसने दही दूध बेचा था। वे गली गली घूमकर अपने दूध दही के बारे में बताया और उसके फलस्वरूप मिले दंड के बारे में भी बताया। तब स्त्रियों ने स्वार्थ धर्म, रक्षा धर्म और उस पर रहम खाकर उसे क्षमा कर दिया और आशीर्वाद दिया। बहुत सी स्त्रियों द्वारा आशीर्वाद लेकर जब वे पुनः झरबेरी के नीचे पहुंचती तो ये देखकर आश्चर्यचकित रह गई कि वहां उसका पुत्र जीवित अवस्था में पड़ा है। तभी उसने स्वार्थ के लिए झूठ बोलने को ब्रह्म हत्या के समान समझा और कभी झूठ न बोलने का प्रण लिया। कैसा लगा आप सभी को हमारा ये हल षष्ठी व्रत कथा? प्लीज़ कमेंट्स करके ज़रूर बताइएगा। अगर आप मेरे चैनल पे पहली बार आए हो तो प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर करना बिल्कुल ना भूलना। थैंक्स फॉर वॉचिंग।